लंबे समय से इंतजार की जा रही एसयूवी अब भारत में होगी लॉन्च। किन मोस्ट पॉपुलर कार कंपनियों के एसयूवी कारों की बेसब्री से हो रहा है इंतजार, जानने के लिए देखें पूरा वीडियो। वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन मोस्ट पॉपुलर कार कंपनियों के एसयूवी गाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका लंबे समय से लॉन्च होने का इंतजार हो रहा था, लेकिन अब लोगों का इंतजार खत्म करने के लिए उन कार निर्माताओं ने इसी साल 2022 में भारत में अपने नए एसयूवी गाड़ियों को लॉन्च करने का फैसला किया है। यहां हम आपको लो मीडियम रेंज से लेकर हाई मीडियम रेंज तक की एसयूवी गाड़ियों की जानकारी देने जा रहे हैं। ये सभी नई एसयूवी गाड़ियां 2022 के अंत तक भारत में लॉन्च हो जाएंगी। 2022 महिंद्रा स्कॉर्पियो, दोस्तों अपकमिंग महिंद्रा स्कॉर्पियो के डिजाइन को काफी अपडेट किया गया है, जहां महिंद्रा लोगो को सेंट्रल स्टेज पर रखा गया है। गाड़ी के ग्रिल को इंटीग्रेटेड DRLS और टर्न इंडिकेटर्स के साथ दोनों तरफ नए डुअल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प के साथ डिजाइन किया गया है। कार को एक रीप्रोफाइल बम्पर मिलता है जिसमें किसी शेप्ड इनक्लोजर के साथ नई LED फॉग लैंप्स शामिल है। इसके अलावा गाड़ी को इलेक्ट्रिक सनरूफ, सिल्वर कलर्ड मल्टी स्पोक अलॉय रूफ रेल और डोर स्किल पर हल्का प्लास्टिक क्लैडिंग भी मिलेगी। गाड़ी के इंटीरियर में आपको एक डुअल टोन लेदर अपहोल्स्ट्री और एक रिवाइज डैशबोर्ड लेआउट मिलेगा। दोस्तों, न्यू जन महिंद्रा स्कॉर्पियो 2.2 लीटर M हॉग डिजाइल इंजन और 2.2 लीटर M स्टेशन टर्बो पेट्रोल इंजन से संचालित होगी। दोनों इंजनों को 6 स्पीड मैनुअल या 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से जोड़ा जाएगा। अब कीमत की बात करें तो 2022 महिंद्रा स्कॉर्पियो 10 से 20 लाख में उपलब्ध होगी। लॉन्च डेट की बात करें तो ये महिंद्रा के इस शानदार मॉडल को 2022 के बीच में भारत में लॉन्च किया जाएगा। टोयोटा फॉर्च्यूनर कमांडर स्पेशल एडिशन। दोस्तों, टोयोटा की इस नई एसयूवी कार में आपको कई सारे नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। यानी आने वाली टोयोटा फॉर्च्यूनर कमांडर की डिजाइन की बात करें तो इसमें फ्रंट स्किड प्लेट मिलता है जिसे ब्लैक कलर का फिनिश टच दिया गया है। वहीं बम्पर को सिल्वर और क्रोम गार्निश दिया गया है। कार के रूफ और पिलर्स को ब्लैक कलर्स में एक शानदार लुक दिया गया है। साथ ही गाड़ी के आउटसाइड रियर व्यू मिरर को भी ब्लैक फिनिश टच दिया गया है। कार की इंटीरियर में एक स्पॉटी टू टोन रेड और ब्लैक लेदर सीट अपहोल्स्ट्री मिलती है। इसके अलावा आने वाली कमांडर स्पेशल एडिशन में आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और अराउंड व्यू कैमरा जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। दोस्तों, नई फॉर्च्यूनर कमांडर एसयूवी की परफॉर्मेंस में कोई बदलाव मिलने की उम्मीद नहीं है। ये एसयूवी गाड़ी 2.4 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज डीजल इंजन के साथ संचालित है, जो 150 HP का अधिकतम पावर उत्पाद करती है। भारत में टोयोटा फॉर्च्यूनर को 2.8 लीटर GD सीरीज डीजल इंजन के साथ पेश किया जाता है। अब आने वाली फॉर्च्यूनर कमांडर की कीमत की बात करें तो ये लेटेस्ट एसयूवी आपको 40 से 45 लाख में उपलब्ध होगी। लॉन्च डेट की बात करें तो अनुमान लगाया जा रहा है कि टोयोटा का ये नया एसयूवी 2022 के अंत तक भारत में लॉन्च होगा। सेल्टोस एसयूवी फेसलिफ्ट। किया सेल्टोस, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था, किया का एक पॉपुलर मॉडल है जो मार्केट में हमेशा पॉपुलैरिटी में रहा है। कारों की सेलिंग भी अच्छी रही है। अब इस कार के एसयूवी सेगमेंट में मार्केट में उतारे जाने की खबर सामने आई है। खबरों के मुताबिक 2022 सेल्टोस एसयूवी फेसलिफ्ट को फ्रंट और रियर बम्पर पर बड़ी ग्रिल से बदला जा सकता है। साथ ही टेल लैंप्स में भी बदलाव की उम्मीद है। कार में नई अपहोल्स्ट्री मिलेगी, साथ ही केबिन के साइज में थोड़ा बदलाव किया जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये एसयूवी फेसलिफ्ट डिजिटल ड्राइव, डिस्प्ले और एडास जैसी नई सुविधाओं के साथ आ सकती है। इस अपडेटेड एसयूवी फेसलिफ्ट में 10.25 इंच टच स्क्रीन सिस्टम, एक एयर प्यूरिफायर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और एम्बिएंट लाइट जैसे सुविधाएं बरकरार रखी जाएंगी। कार इंजन की बात करें तो किया को इस एसयूवी सेगमेंट में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, 1.4 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन विकल्प मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, किया की इस लेटेस्ट एसयूवी फेसलिफ्ट की स्टार्टिंग प्राइस होगी 10 लाख और इसे भारत में मई 2022 में लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, माना जा रहा है कि किया का इस लेटेस्ट मॉडल ह्यूंडई क्रेटा, स्कोडा कोशैक, रेनॉल्ट डस्टर, MG एस्टोर, निसान किक्स और मारुति सुजुकी एस क्रॉस के साथ कड़ी मुकाबला क्रेटा फेसलिफ्ट। इस नई कार के फीचर्स की बात करें तो इसमें टक्सन से प्रेरित ग्रिल के साथ अपडेट फेसिया मिलेगी। कार के ग्रिल में दोनों तरफ इंटीग्रेटेड LED DRL भी मिलेगा। साथ ही LED हेडलैम्प, नया फ्रंट बम्पर और नए अलॉय व्हील मिलने की उम्मीद है।
दोस्तों इस नई हुंडई क्रेटा को 1.5 लीटर NA पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर डीजल इंजन और 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन विकल्प के साथ पेश किया जाएगा। इसके अलावा ट्रांसमिशन ऑप्शन में आपको एक 6 स्पीड मैनुअल यूनिट, एक 6 स्पीड ऑटोमेटिक यूनिट, एक IVT यूनिट और एक 7 स्पीड DCT यूनिट मिलने की भी उम्मीद है। कार की कीमत 11 लाख से 18 लाख के बीच होगी, जो कि आपके बजट के आसपास ही होगी। इस नई हुंडई क्रेटा को भारतीय बाजार में अप्रैल 2022 में लॉन्च किया जाएगा। हुंडई क्रेटा फेसलिफ्ट को MG, एस्टोर, किया सेल्टोस, रेनॉल्ट डस्टर, टाटा हैरियर और स्कोडा कोशियाक से कड़ी टक्कर मिलेगी। न्यू किया स्पोर्टेज SUV। किया कार निर्माता स्पोर्टेज के इस 5th जनरेशन, जिसे हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड से डिजाइन किया गया है, उसे इंटरनेशनल मार्केट में उतारा गया है। अब ये लेटेस्ट SUV भारत में लॉन्च होने जा रही है। फीचर्स की बात करें तो दोस्तों इस कार की चौड़ाई 1865 mm, लंबाई 4660 mm और ऊंचाई 1600 mm होगी। ये न्यू किया स्पोर्टेज पहला किया मॉडल होगा जिसमें लॉन्ग व्हील बेस और शॉर्ट व्हील बेस मॉडल वेरिएंट देखने को मिलेगा। ये कार एडवांस ड्राइव असिस्टेंस सिस्टम टेक्नोलॉजी से लैस होगी। दोस्तों न्यू किया स्पोर्टेज 1.6 लीटर TGDI मोटर इंजन से संचालित होगी, जो कि 177 HP और 265 Nm टॉर्क जनरेट करता है। कार को 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन या एक 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। किया की इस SUV की स्टार्टिंग प्राइस होगी 15 लाख। इसे इंडिया में 2022 के फेस्टिवल सीजन में लॉन्च किया जाएगा। फेस लिफ्टेड Hyundai Venue। इस नई फेसलिफ्टेड वेन्यू को भारत में अगस्त 2022 में लॉन्च किया जाएगा। इस नई कार में आपको काफी सारे नए फीचर्स देखने को मिलेंगे, जिनमें नए स्पाइक शॉट्स, नई LED टेल लाइट्स और अपडेटेड बम्पर शामिल है। फेसलिफ्टेड में नए अलॉय व्हील और फ्रेशर फ्रंट प्रोफाइल भी मिलेगा। कार के केबिन को भी अपडेट किया जाएगा। कार में मौजूदा गियर बॉक्स विकल्पों के साथ सामान 120 PS 1 लीटर टर्बो पेट्रोल, 83 PS 1.2 लीटर पेट्रोल और 100 PS 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है। कार का डिजाइन और लुक काफी अट्रैक्टिव है। दोस्तों इस नई हुंडई वेन्यू को आप सिर्फ 6.99 लाख रुपए में खरीद सकते हैं। ये लेटेस्ट कार भारतीय बाजार में 6,99,000 से 11,85,000 के बीच उपलब्ध होगी। न्यू टोयोटा अर्बन क्रूजर। दोस्तों न्यू जेन टोयोटा अर्बन का लुक काफी अग्रेसिव है, जो एक नई अवतार में मार्केट में आ रही है। SUV के इंटीरियर में बड़ा बदलाव किया गया है। न्यू अर्बन क्रूजर को इस कॉम्पैक्ट SUV के रूप में डिजाइन किया गया है। यहाँ आपको एक नया डैशबोर्ड, एक नया बड़ा फ्री स्टैंडिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो कि वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले नेविगेशन और वॉइस रिकॉग्निशन के साथ कंपैटिबल होगा। इसके अलावा गाड़ी में आपको 6 एयरबैग, इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा मिलने की भी उम्मीद है। आने वाले अर्बन क्रूज में मौजूदा मॉडल के 1.5 लीटर K15B पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो कि 104 BHP की पावर आउटपुट और 138 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है। कीमत की बात करें तो नई टोयोटा अर्बन क्रूजर की शुरुआत की कीमत होगी 9,50,000, जो कि 12,50,000 तक जा सकती है। SUV की लॉन्च डेट की बात करें तो अनुमान लगाया जा रहा है कि इसे 2022 के अंत तक भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा। लॉन्ग रेंज टाटा निक्सॉन EV। दोस्तों फीचर्स की बात करें तो आने वाली टाटा निक्सॉन इलेक्ट्रिक कार के चारों कॉर्नर पर डिस्क ब्रेक मिलने की उम्मीद है। साथ ही गाड़ी को सेलेक्टेबल रेंज मॉडल, अलॉय व्हील और इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम का अपडेट फीचर भी मिलेगा। गाड़ी के इंटीरियर और एक्सटीरियर में और कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। आने वाली निक्सॉन XUV के बैटरी के मामले में नई बात यह है कि निक्सॉन EV के इस नए वर्जन को एक बड़ा 48kWh बैटरी पैक मिलेगा, जो मौजूदा निक्सॉन EV के बैटरी से 30 गुना बड़ा होगा। नई निक्सॉन XUV की रेंज होगी 400 किलोमीटर। इसके अलावा गाड़ी में आपको एक अपडेटेड पावरफुल 6.6 kV AC चार्जर मिलेगा, जो तेजी से बैटरी को चार्ज करेगा। कीमत की बात करें तो टाटा निक्सॉन EV का ये नया वर्जन 17 से 18 लाख के बीच उपलब्ध होगा। लॉन्च डेट की बात करें तो ये कार 2022 के बीच में भारत में लॉन्च होगी। महिंद्रा EKUV 100। दोस्तों इंटरनेट की खबरों के मुताबिक नई महिंद्रा EKUV 100 इलेक्ट्रिक कार कई वेरिएंट में पेश की जाएगी। कार का लुक काफी अग्रेसिव है और इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर को बेहतर डिजाइन किया गया है।
गाड़ी में 300 kWh का एक पावरफुल बैटरी पैक दिया गया है जो तेजी से चार्ज होने की क्षमता रखती है। गाड़ी की रेंज होगी 200 किलोमीटर। दोस्तों अपडेट महिंद्रा EKUV 154 bhp मैक्सिमम पावर आउटपुट और 120 Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकती है। कीमत की बात करें तो नई महिंद्रा EKUV 100 मध्यम वर्गीय बजट को बिल्कुल सूट करेगी। महज 9 से 10 लाख में आप देसी ब्रांड महिंद्रा की इस लेटेस्ट इलेक्ट्रिक कार को खरीद सकते हैं। लॉन्च डेट की बात करें तो EKUV 100 ईवी को भारत में 2022 के बीच तक लॉन्च किया जाएगा। 2023 महिंद्रा XUV 300 फेसलिफ्ट। दोस्तों नई महिंद्रा XUV 300 फेसलिफ्ट के इंटीरियर और एक्सटीरियर को काफी हद तक अपडेट किया जाएगा, जिसमें आपको रीडिजाइन किया गया फ्रंट ग्रिल, नया बम्पर, नया 17 इंच अलॉय व्हील्स, टेल लैम्प क्लस्टर, हेड लैम्प, सीट अपहोल्स्ट्री और डार्क डैशबोर्ड मिलेगा। इसके अलावा कार में सिंगल पेन, इलेक्ट्रिक सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, एयरबैग्स, कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। दोस्तों सबसे अहम अपडेट कार के पावर ट्रेन में किया गया है। नई महिंद्रा XUV 300 में एक नया और पावरफुल 1.2 लीटर 3 सिलेंडर एमस्टेलियन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो 130 bhp का मैक्सिमम पावर आउटपुट और 230 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ जोड़ा गया है। कीमत की बात करें तो महिंद्रा इस अपडेटेड फेसलिफ्ट को भारतीय ग्राहकों को कम कीमत में उपलब्ध करा रही है। इसकी शुरुआती कीमत होगी 7,96,000, जो कि 13,36,000 तक जा सकती है। लॉन्च डेट की बात करें तो 2023 महिंद्रा XUV 300 2022 के अंत तक भारत में लॉन्च होगी। 2022 महिंद्रा एल्ट्रॉस G4 फेसलिफ्ट विद एडास। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने 2018 में फुल साइज SUV सेगमेंट में एल्ट्रॉस G4 को पेश किया था, तो अब महिंद्रा फ्लैगशिप एल्ट्रॉस G4 का एक नया रूप तैयार कर रही है और कई सारे नए फीचर्स के साथ इसे भारतीय बाजार में उतार रही है। आने वाली एल्ट्रॉस G4 फेसलिफ्ट में आपको एडास तकनीक मिलेगी और अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाली SUV में महिंद्रा XUV 700 पर मिलने वाली फीचर्स मिलेंगी, जिनमें महिंद्रा अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, हाई बीम असिस्टेंट, लेन कीप असिस्टेंट, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग आदि शामिल है। अल्ट्रॉस G4 फेसलिफ्ट के साथ कोई मैकेनिकल बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसमें मौजूदा मॉडल को 2.2 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन दिया जा सकता है, जो कि 4000 RPM पर 178 bhp का अधिकतम पावर आउटपुट और 1600 RPM और 2600 RPM के बीच 420 Nm का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है। पावर ट्रेन को केवल मर्सिडीज बेंज से मिली 7 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। मौजूदा 7 सीटर महिंद्रा SUV की तरह इस SUV कार में भी 18 इंच अलॉय व्हील्स, एक पावर टेलीगेट, एक 7 इंच कलर TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल और एक 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आदि मिलने की उम्मीद है। आने वाली अल्ट्रॉस G4 की कीमत की बात करें तो ये अपग्रेडेड SUV की स्टार्टिंग प्राइस होगी 29 लाख, जो कि 32 लाख तक जा सकती है। अब लॉन्च डेट की बात करें तो उम्मीद है कि SUV कार 2022 के बीच तक भारत में लॉन्च होगी। पर है महिंद्रा XUV 300 EV। दोस्तों हाल ही में महिंद्रा की इस नई इलेक्ट्रिक कार को चेन्नई में टेस्टिंग के दौरान देखा गया था, जिसका लुक काफी अच्छा था। नई महिंद्रा XUV 300 को EV जैसी क्लोज ग्रिल, अपडेट फ्रंट रियर बम्पर और अलग व्हील डिजाइन के साथ पेश किए जाने की उम्मीद है। कंपनी नई EV को सनप्रूफ, रेन सेंसिंग वाइपर और ऑटो AC के साथ अपडेट कर सकती है। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम को भी अपडेट किया जा सकता है। इसके अलावा सेफ्टी फीचर्स में मल्टीपल एयरबैग और कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल मिल सकता है। पावर में अपकमिंग XUV 300 को 40 kWh का बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है, जो 350 km से 400 km की ARAI सर्टिफाइड रेंज प्रदान करेगी। कीमत की बात करें तो XUV 300 इलेक्ट्रिक कार को आप 15 लाख में खरीद सकते हैं। महिंद्रा अपनी इस नई इलेक्ट्रिक कार को 2022 के अंत तक भारतीय बाजार। जिमी 5 डोर, ये SUV मारुति सुजुकी की एक और बेहतरीन मॉडल है, जो 5 डोर सियरा पर आधारित होगी। फीचर्स के मामले में इस कार को 300 mm लंबा व्हील बेस मिलेगा। कार की लंबाई लगभग 3850 mm, चौड़ाई 1645 mm और ऊंचाई 1730 mm होगी। मारुति की इस लेटेस्ट कार में आपको 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलने की उम्मीद है, जो 103 bhp की पावर और 138 Nm का टॉर्क पैदा करता है।
कार में माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी मिल सकता है, जिससे इसके इंजन क्षमता में सुधार होगा। इस शानदार एसयूवी को आप 10 से 12 लाख में खरीद सकते हैं। इसे भारत में 2022 के अंत तक लॉन्च किया जाएगा। सुजुकी ए क्रॉस, ये एसयूवी कार कमाल की स्टाइलिश लुक के साथ आती है, जो साइज में टाटा हैरियर से थोड़ी बड़ी होगी। इसकी लंबाई लगभग 4635 mm, चौड़ाई 1855 mm और ऊंचाई 1690 mm है। दोस्तों, इस कार में आपको 2690 mm लंबा व्हील बेस भी मिलेगा। एस क्रॉस के फीचर्स में कुछ बदलाव किए गए हैं। मारुति के इस नए मॉडल में 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो अन्य फीचर्स के साथ एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले से लैस है। इसके अलावा इस कार में प्री कोलिजन सिस्टम, डायनेमिक रडार क्रूज कंट्रोल और लेन ट्रेसिंग असिस्ट जैसे सेफ ड्राइविंग फीचर्स भी मिलेंगे। कार में 175 हॉर्स पावर 2.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा। दोस्तों, शानदार फीचर्स की वजह से सुजुकी ए क्रॉस की कीमत थोड़ी ज्यादा होगी। इस कार को आप 20 से 25 लाख में खरीद सकते हैं। इस कार को 2022 के अंत तक भारत के बाजार में उतारा जाएगा। नंबर 7, नेक्स्ट जेन स्विफ्ट। मारुति सुजुकी का ये मॉडल इनोवेटिव स्टाइल और अपडेटेड इंजन के साथ आता है। ये पहले के 1.2 लीटर मोटर के साथ जारी रहेगी, लेकिन अब इसमें एक हाइब्रिड ऑप्शन मिलेगा, जो इसकी फ्यूल दक्षता को बढ़ाने में मदद करेगा। ये उम्मीद की जाती है कि एक साल बाद नेक्स्ट जेन स्विफ्ट को 1.4 लीटर बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल मोटर और 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम वाली हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ अपडेट किया जाएगा, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके। इस कार का पावर ट्रेन 5500 RPM पर 138 हॉर्स पावर की अधिकतम पावर और 2500 से 3000 RPM पर 230 Nm टॉर्क पैदा करने में सक्षम है। आपको कुछ खास फीचर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें स्पोर्टियर दिखने वाला फ्रंट ग्रिल और बम्पर, ड्यूअल एग्जॉस्ट पाइप्स और स्विफ्ट स्पोर्ट बैजिंग शामिल हैं। इसका हॉट हैच ट्रेंडियर अलॉय व्हील से लैस होगा। ये भी उम्मीद की जा रही है कि मारुति के इस नए मॉडल को विजुअल अपडेट का एक नया सेट भी मिलेगा। दोस्तों, नेक्स्ट जेन स्विफ्ट एक पूरी तरह से इम्प्रूव्ड वर्जन है, जिसे खरीदने के लिए लोगों में काफी दिलचस्पी देखने को मिल सकती है। इसकी कीमत भी लोगों के बजट में होगी। ये भारत में 5.71 लाख रुपए से 8.41 लाख रुपए में उपलब्ध होगी। इस लेटेस्ट नेक्स्ट जेन स्विफ्ट को 2022 के बीच में लॉन्च किया जाएगा। सुजुकी एस क्रॉस, जो काफी बड़े और चौड़े डिजाइन के साथ आता है। इस नए मॉडल में एडास सिस्टम मिलने की संभावना है, जो क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, लेन कीप असिस्ट आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा। फीचर्स, इस एसयूवी में कुछ अलग फीचर्स देखने को मिलेंगे जो पहले वाले मॉडल में नहीं थे। न्यू सुजुकी एस क्रॉस कार का डिजाइन एसयूवी कार जैसा है, लेकिन इसका बॉडी स्टैंड मौजूदा मॉडल से अधिक ऊंचा और साइज में पहले से अधिक बड़ा होगा। कार के फ्रंट में 2 स्ट्रिप्ड क्रोम स्लेट और एक शार्प लुकिंग बम्पर दिया गया है। इसके अलावा फ्रंट में कैमरा भी होगा, जो आने वाले ट्रैफिक का पता लगा सकता है। इंजन, उम्मीद की जा रही है कि न्यू सुजुकी एस क्रॉस में 48 वोल्ट सिस्टम वाला 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो 103 bhp और 138 Nm का टॉर्क उत्पन्न करने में सक्षम होगा। सुजुकी एस क्रॉस में 1.4 लीटर बूस्टर जेट टर्बो इंजन भी मिल सकता है, जो 127 bhp और 235 Nm का टॉर्क पैदा करता है। प्राइस, 2022 सुजुकी एस क्रॉस की कीमत एंट्री लेवल वेरिएंट के लिए लगभग 10 लाख रुपए में उपलब्ध होगा और टॉप एंड मॉडल के लिए 13 लाख रुपए तक जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। लॉन्च डेट, जापानीज ऑटोमेकर कंपनी न्यू सुजुकी एस क्रॉस को मई 2022 को इंडिया में लॉन्च करेगी। नेक्स्ट जेन मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा, ये कार 2022 में इंडिया में लॉन्च होने वाली एक और शानदार एसयूवी है, जो आपको अफोर्डेबल प्राइस पर उपलब्ध होगी। विटारा ब्रेजा इंडिया में बहुत पॉपुलर है। ये इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी है, जिसे भारत में पहली बार 2016 में लॉन्च किया गया था। फीचर्स, नेक्स्ट जेन मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा के फीचर्स की बात करें तो इसमें एक नई ग्रिल, LED हेडलाइट्स, न्यू व्हील्स और न्यू LED हेडलाइट्स मिलने की संभावना है। इंजन, न्यू विटारा ब्रेजा में कंपनी 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन दे सकती है,
जो 103 bhp और 138 nm का टॉर्क उत्पन्न करने में सक्षम होगा। प्राइस, नेक्स्ट जेन मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा को बहुत ही किफायती कीमत पर सिर्फ 8 लाख रुपए में आप खरीद सकते हैं। लॉन्च डेट, इस लेटेस्ट सुजुकी विटारा ब्रेजा को इंडिया में 2022 के मिडल में लॉन्च किया जाएगा।